बहुत दिन के बाद इन्फिनिक्स से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि 10,000 के अंदर इन्फिनिक्स लॉन्च कर दिया है इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले, जबरदस्त स्मार्टफोन है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 रीजन बताऊंगा जिसके वजह से इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले आप लोगों को खरीदना चाहिए। हर फोन का कुछ ना कुछ कमियां होता है, तो इस फोन का भी कुछ कमियां है जो कि हम लोग लास्ट में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले इस फोन के अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। पहला जो रीजन जिसके वजह से इस फोन को आप लोगों को खरीदना चाहिए, इस फोन में 6.82 इंच का काफी बड़ा HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर आप ज्यादा मूवी वगैरह देखना पसंद करते हो बड़ा स्क्रीन में, तो ये फोन आप लोगों को मजा देगा। बड़ा डिस्प्ले है उसके वजह से यूजर एक्सपीरियंस और भी बेटर मिलेगा। सिर्फ बड़ा डिस्प्ले नहीं है, 10,000 के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे मिलता है। अच्छी बात यहाँ पे हो जाता है, स्क्रॉलिंग को और भी स्मूथ करेगा। उसके साथ साथ पंचोल सेल्फी कैमरा के साथ आता है। यार 10,000 के नीचे जनरली वाटर ड्रॉप नॉच आता है, लेकिन इस फोन में पंचोल सेल्फी कैमरा है। ऐसा लगता है कि 12,000-13,000 के आसपास फोन है। सच में दोस्तों डिस्प्ले से देखोगे जबरदस्त है। दूसरा रीजन इसका बैटरी, 6000 mAh का काफी पावरफुल मॉन्स्टर बैटरी यहाँ पे देखने को मिलता है। HD+ डिस्प्ले है उसके वजह से ना जो बैटरी का चार्ज है वो लगभग एक दिन या डेढ़ दिन तक चला जाएगा अगर आप लोग हेवी यूज करोगे। अगर आप लोग नॉर्मल यूज करोगे 2 दिन आराम से जाएगा। तीसरा रीजन, इस फोन में 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। 6000 mAh का बैटरी है तो उसको फास्ट चार्ज करने के लिए 18 वाट का चार्जर दिया है। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फोन फुल चार्ज होने के लिए 2 घंटे से 2.5 घंटे तक लगेगा। चौथा रीजन इसका स्टोरेज, 10,000 के नीचे 4GB 64GB वेरिएंट देखने को मिलता है। सोच लीजिए दोस्तों 10,000 के नीचे जनरली 3GB 32GB, कई ब्रांड ऐसा है जो 2GB फोन के साथ भी लॉन्च कर देता है, लेकिन इनफिनिक्स यहाँ पे 4GB के साथ फोन लॉन्च कर रहा है। पांचवा रीजन इसका डिजाइन, बजट में ज्यादातर लोग फोन खरीदता है डिजाइन देखकर। इसके डिजाइन देखकर बहुत सारे लोग फोन को खरीदने वाला है। शानदार डिजाइन है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन जो शाइनी डिजाइन यहां पे ग्लो कर रहा है ना, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। कैमरा पोजीशन वगैरह जबरदस्त है। और भी कुछ अच्छाई के बारे में बात करूं, इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 13+2 MP का ड्यूअल रियर कैमरा दिया है और कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा है। चलो कुछ कमियां के बारे में बात करते हैं। इस फोन का ना कुछ भी कमियां नहीं है। इसका जो प्राइस है 4GB 64GB 9000 rupees रखा गया है। 9000 rupees के हिसाब से अगर आप देखोगे शानदार फोन है। फिर भी अगर ढूंढने बैठ जाए ना तो यार एक कमियां मिलेगा इसके UI में। XOS जो UI है वो थोड़ा सा लैगी UI है। इन्फिनिक्स यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंप्रूवमेंट कर देना शानदार रहेगा यूजर एक्सपीरियंस। अगर आप डे टू लाइफ यूज करोगे थोड़ा सा लैगी लगेगा, आप लोगों को कभी कभार जिटर वगैरह दिखाई देता है अगर आप ऐप वगैरह ओपन करने जाते हो। ये सारे छोटे छोटे चीजों में इन्फिनिक्स अगर सुधार लेकर आए शानदार फोन मिलने वाला है। और ऐसे भी ये फोन काफी अच्छा प्राइस में काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके वजह से बहुत सारे लोग खरीदेगा भी। मैं रिक्वायरमेंट करूंगा इस फोन को खरीदने के लिए, आप खरीद सकते हो। अगर आप नॉर्मल यूजर हो, बड़ा डिस्प्ले चाहिए, डिजाइन काफी अच्छा हो, ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो, इस फोन को जरूर एक बार चेक करना। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर टैप करके आप लोग चेक कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करना और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये फोन आप लोग खरीदने वाले हो कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।